हाँ बेटा, तो इसमें आर्किटेक्चर्स में जो आपका जो डिफाइन किया गया है, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है 8085, उसके आर्किटेक्चर की हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बेसिक्स जो मतलब फीचर्स हैं 8085 की, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है ये आपका? एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये है कि ये केवल और केवल एक्सेप्ट करेगा, जो यह प्रोसेस करेगा 8 बिट के डाटा को। ये क्या करेगा? 8 बिट के डाटा को एक्सेप्ट और प्रोसेस, या मतलब जो भी काम होगा इसमें, वो केवल और केवल किसका होगा? 8 बिट का होगा। ठीक है, ये जो ऑपरेट होता है, ये आपका जो इसकी पावर सप्लाई है, +5 वोल्ट पावर सप्लाई जो कनेक्टेड होता है आपका VCC से, और पावर सप्लाई की जो ग्राउंड है वो कनेक्ट होती है आपकी VSS से। पिन डायग्राम में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर भी डिस्कस होंगी। ठीक है, ये क्लॉक साइकिल जो होगी इसकी, वो 50% ड्यूटी साइकिल पे वो ऑपरेट करता है। और इसमें जो हम क्लॉक जनरेटर जो रिक्वायरमेंट होता है, इंटरनल क्लॉक जनरेटर, इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है वो ट्यून्ड सर्किट होता है, जिसमें आपका LC, RC और क्रिस्टल टाइप का आपका सर्किट रिक्वायर्ड होता है। L और C, और ये R और C क्या है? आपके रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। R रजिस्टर, L आपका जो मतलब ये कंपोनेंट है, RLC, तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जो ऑपरेट होता है वो आपका 3 MHz की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे। इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी है? 3 MHz की फ्रीक्वेंसी है। और 8085 के कुछ जो वर्जन हैं, लेटेस्ट वर्जन है, तो वो आपके 5 MHz तक भी ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी 3 MHz की है। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी कहाँ तक जाती है? 5 MHz तक जाती है। ठीक है, इसमें जो एड्रेस लाइन है वो 16 एड्रेस लाइन है। 16 एड्रेस लाइन्स का मतलब ये है कि 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 जो होगी वो नियर अबाउट आपकी जो बैठती है 64 किलोबाइट। तो 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी आप एक्सेस कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें जो है आपका 8 बिट के इनपुट आउटपुट एड्रेसेज है। क्या है? 8 बिट के इनपुट आउटपुट एड्रेस है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 8 मीन्स 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हो एट ए टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है एड्रेस बस की जो अगर हम बात करें, तो जो एड्रेस बस है वो एड्रेस बस 16 बिट की होती है, और 16 बिट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लोअर एड्रेस बस और एक आपको बोला गया कि अपर एड्रेस बस। जो लोअर एड्रेस बस है उसको कहा गया A0 to A7, और जो अपर है आपकी उसको बोला गया मतलब A8 to A15। ये आपकी एड्रेस बस। और जो डाटा बस है, तो जो डाटा बस है वो डाटा बस दी गई है कि 8 बिट की, D0 से D7 तक। ये आपकी कितनी होती है? डाटा बस होती है आपकी 8 बिट की। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो डाटा बस है, डाटा बस D0 to D7 और लोअर एड्रेस बस A0 to A7, 8 बिट ये आपकी लोअर एड्रेस बस की और 8 बिट आपकी डाटा बस D0 to D7 की जो है, वो क्या है? मल्टीप्लेक्स्ड है। ये दोनों क्या है? आपस में मल्टीप्लेक्स्ड है। और ये क्यों है? ये रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ एक्सटर्नल पिन्स को, एक्सटर्नल पिन्स को रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लेक्स किया जाता है। ठीक है, बट ड्यू टू दिस एक्सटर्नल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट एड्रेस लाइन एंड डाटा लाइन। तो ये दोनों जब जो है मल्टीप्लेक्स्ड हैं, अगर इनको सेपरेट करना है तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। उस एक्सटर्नल हार्डवेयर की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब इसको डिलेच कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, मतलब एड्रेस लाइन्स और डाटा लाइन्स। ठीक है, दूसरा इसके जो फीचर्स में 74 का इंस्ट्रक्शन सेट है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो आपका 74 इंस्ट्रक्शन सेट है। इसमें जो फिर आपके एड्रेसिंग मोड हैं, मतलब जो ये 74 आपकी इंस्ट्रक्शन सेट हैं, तो इनको डिवाइड किया जाता है एड्रेसिंग मोड्स में। तो वो आपके एड्रेसिंग मोड 5 हैं। एक है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो ये भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कि इमीडिएट कौन सा होता है आपका, और रजिस्टर कौन सा होता है, डायरेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट होता है, और एक आपका इम्प्लाइड होता है। ठीक है, तो ये एड्रेसिंग मोड भी हम पांचों के पांचों आपके डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स। 74 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी पूरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर जो है जो ALU है,
आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है 8085 में, वहां पर आप क्या कर सकते हो, एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जो एडिशन परफॉर्म कर रहे हो वो 8 बिट का कर रहे हो, 8 बिट एडिशन विद और विदाउट कैरी। ठीक है, इसमें आप 16 बिट भी कर सकते हो, 16 बिट बाइनरी एडिशन कर सकते हो, बट वही है कि मतलब आपको उसकी इंस्ट्रक्शन सेट दूसरा यूज करना पड़ेगा। दो डिजिट बीसीडी एडिशन कर सकते हो, बीसीडी एडिशन भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और आप इसमें क्या कर सकते हो, बाइनरी 8 बिट का बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं आपके 8 बिट के लॉजिकल ऑपरेशन, चाहे वो आपका एंड है, चाहे वो आपका और है, या आपका एक्स और है, या नॉट, कोई भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो आप एएलयू में यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है, कुछ आपके रजिस्टर्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 8 बिट का एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर क्या है कि एक रजिस्टर का नाम है, और इसमें आप 8 बिट का डाटा को स्टोर कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशंस हैं वो जनरली आपके क्या है, उनके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं। ठीक है, ये भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इसमें आपका फ्लैग रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया आपका। ठीक है, फिर आपके 8 बिट के जो वो होते हैं रजिस्टर, जनरल पर्पज, जिनको बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, 8 बिट के ये होते हैं टोटल आपके 6, और इनके जो नाम है वो है बी सी डी ई एच एंड एल। ठीक है बेटा, और दो होते हैं आपके 16 बिट के रजिस्टर, 16 बिट के रजिस्टर दो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसपी स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर पीसी। ठीक है, तो ये आपके मतलब जो है कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो इंटरप्ट्स हैं वो 5 इंटरप्ट्स भी होती हैं, 5 इंटरप्ट। ठीक है, जिनके सीक्वेंस आपके जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ट्रैप हो गया आरएसटी 7.5, फिर आरएसटी 6.5 और आरएसटी 5.5। ठीक है ना, और आपका एक आईएनटीआर भी होता है। देखें, ये 5 इंटरप्ट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रोल सिग्नल्स भी हैं, कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह जैसे आईओ एम बार है आपका, रीड बार है आपका, राइट बार है आपका, मतलब इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड हो रही है, राइट हो रही है, उन सब के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टेटस सिग्नल भी होते हैं। स्टेटस सिग्नल्स में क्या है कि आईओ एम बार होता है, S0 होता है, S1 होता है। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब स्टेटस सिग्नल्स हैं, तो अभी हम इसमें पूरा का पूरा डिस्कस करते जाएंगे। तो आर्किटेक्चर को देखते हैं अभी हम, तो जो आर्किटेक्चर आपका जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला आर्किटेक्चर, तो जितनी भी बेसिक फीचर्स मैंने आपको बताई हैं उसमें से मोस्टली पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये वाला जो ये लाइन दी गई है यहाँ पर, ये 8 बिट का आपका इंटरनल डाटा बस है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये डबल लाइन जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है, ये 8 बिट की इंटरनल डाटा बस है आपकी। अब यहाँ पर आपके कुछ रजिस्टर्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी रजिस्टर है, ये आपका फ्लैग रजिस्टर है, ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, और ये फिर आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रजिस्टर्स जो हैं W एंड Z हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी रजिस्टर्स में आते हैं बेसिकली, अभी आगे डिस्कस करते जाएंगे अभी हम। तो बी सी डी ई और एच एल, ये आपके 6 जनरल पर्पज रजिस्टर हो गए 8 बिट के, ये दोनों स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट के दो आपके हो गए, और ये इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच होती है इसमें एक। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर एड्रेस बफर, एड्रेस डाटा बफर दिया गया है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट दिया गया है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, कैसे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपने ये बनाया यहाँ पर ALU। ठीक है, इसकी अब ALU को गोल से देखो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। इसमें दो इनपुट दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है। ठीक है, और दूसरा आउटपुट जो है इसका, इस आउटपुट को कनेक्ट कर दिया गया किससे, 8 बिट की इंटरनल डाटा बस। तो याद करने के जो तरीके हैं वो बता दूं मैं आप लोगों को। बेसिकली हो क्या रहा है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक इनपुट आपका हमेशा क्या होगा, एक्यूमुलेटर होगा। तो मतलब जब भी कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हो तो उसमें से एक रजिस्टर आपका एक्यूमुलेटर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका डाटा कहीं और स्टोर है,
हो सकता है मेमोरी में हो सकता है किसी और रजिस्टर में हो, तो आप उसको सबसे पहले एक्यूमुलेटर में मूव करोगे, ठीक है। दूसरा है आपका टेम्परेरी रजिस्टर, तो आपको याद ये रखना है कि एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर दो इनपुट हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के, ये देसी भाषा में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि ALU के दो इनपुट है एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर, एक आउटपुट है और जो कनेक्ट हो रखा है आपका 8-bit इंटरनल बस से। अगर आप यहाँ देखोगे एक्यूमुलेटर भी डाटा बस से कनेक्ट है, टेम्परेरी रजिस्टर भी आपका डाटा बस से कनेक्ट है। अब बेसिकली क्या है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि या तो कहीं ना कहीं मेमोरी पे डाटा स्टोर होगा या ये जो रजिस्टर्स हैं यहाँ पर इनमें कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी होगी, जो कनेक्शंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला सॉरी छुटा हुआ है, यहाँ पर भी ये डबल साइडेड एरो है, टू साइडेड, ठीक है ना बेटा, ये बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो ये टू साइडेड एरो है यहाँ पर भी, ये इसका कनेक्शन होगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में तो ये कहा गया कि बाई डायरेक्शनल एरो बना हुआ है, इसका मतलब कहना का ये है कि आप किसी रजिस्टर से या किसी मेमोरी लोकेशन से आप डाटा को एक्यूमुलेटर में मूव कर सकते हो और एक्यूमुलेटर से वापस उसमें रजिस्टर में, किसी भी रजिस्टर बैंक में या फिर किसी मेमोरी में आप उसको वापस डाटा को भेज सकते हो। टेम्परेरी रजिस्टर में क्या है कि यूनिट डायरेक्शनल है, मतलब आप यहाँ से डाटा को उठाओगे, टेम्परेरी रजिस्टर नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ से टेम्परेरली आप जो डाटा को उठाओगे, इस रजिस्टर में स्टोर करोगे, यहाँ पर ऑपरेशन जो भी होगा वो परफॉर्म होगा, अब उसका जो रिजल्ट आया वो डाटा बस के थ्रू, इस डाटा बस के थ्रू जैसे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा एक्यूमुलेटर में आकर ही स्टोर हो जाता है डाटा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कि आपको अभी कुछ होता हुआ ऑपरेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल यहाँ पर क्या है कि विजुअलाइजेशन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हम प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में पहुंचेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ से जो आउटपुट है वो हो सकता है एक्यूमुलेटर में जाए, हो सकता है कि आपने इंस्ट्रक्शन दी किसी रजिस्टर में जाए, हो सकता है इस डाटा बस के थ्रू वो किसी मेमोरी लोकेशन पे चले जाए, ठीक है बेटा। कुछ है यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर्स, जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं आपके, फ्लैग रजिस्टर्स में आपके कुछ इस तरीके का ऑपरेशन है, तो वो आपकी जो कमांड है वो आपकी डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपकी कहां पर आ रही है, जो ALU है। तो जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं इसमें आपके कुछ फ्लैग्स होते हैं, जैसे साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी है, पैरिटी है और कैरी है। तो ये जो ऑपरेशन है साइड बाई साइड यहाँ पर जो है ना फ्लैग रजिस्टर की हेल्प से चलते रहते हैं, तो उस फ्लैग रजिस्टर को भी अभी हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में मतलब जो डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शंस पास आउट करेगा और वो जो आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर वगैरह है उन सबको जो है वो करता जाएगा। एड्रेस बफर है, एड्रेस डाटा बस बफर है, तो हम वन बाई वन मतलब जो है डिस्कस करते चले जाते हैं अभी आतो आती, ठीक है ना। तो 8085 में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रजिस्टर बैंक की, रजिस्टर स्ट्रक्चर की, ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है, रजिस्टर बैंक भी बोलते हैं, रजिस्टर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 8085 का रजिस्टर स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं इस रजिस्टर स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें आपको दिखाई देगा BCDEWZ वाला है। तो इसमें अगर मैं यहां पर जो है ना, ये जो टेम्परेरी रजिस्टर है, ये टेम्परेरी रजिस्टर भी यहीं पर डिस्कस होता है रजिस्टर बैंक में। तो मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां पर तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि सबसे ऊपर जो है आपका क्या आएगा, टेम्परेरी रजिस्टर दिखाई देगा यहां पर, और फिर आपका WZ और फिर BCDE और आपका H और L और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ठीक है बेटा। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है ये रजिस्टर स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में ये पार्टीशन आ जाता है और स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर जो है ये आपके 16-16 bit के आपके रजिस्टर होंगे। तो मैं अगर इस W और ये टेम्परेरी रजिस्टर है इसको भी आप एक बॉक्स में कर दोगे, WZ और टेम्परेरी रजिस्टर को छोड़ करके ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं अगर शेडेड बना दूं तो ये वाला जो रजिस्टर शेडेड पोर्शन है ये आपका प्रोग्रामर मॉडल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रोग्रामर मॉडल ऑफ 8085 का प्रोग्रामर मॉडल है ये, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि प्रोग्रामर मॉडल को डिस्कस करो, तो आप ये रजिस्टर स्ट्रक्चर इसको पूरे को बोलते हैं हम कि ये रजिस्टर स्ट्रक्चर है, इस रजिस्टर स्ट्रक्चर को बनाओगे और ये WZ को छोड़ करके आप शेडेड पोर्शन बनाओगे और इसमें कह दोगे कि ये आपका गया प्रोग्रामर मॉडल है,
ठीक है, इसमें आप क्या कहोगे, इसमें क्या कहोगे कि 6 से जो है 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, बी सी डी ई एच एल, ये जो है ये आप देखोगे 6 रजिस्टर हैं जो 8-8 बिट के हैं। और फिर कहोगे कि इसमें आपका स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर जो है आपका वो दो आपके 16 बिट के हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या है कि अगर हम प्रोग्रामर मॉडल की बात करें तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर भी जिसको ए से डिनोट करते हैं, एक्यूमुलेटर भी आपका 8 बिट का होगा, उसको भी आप यहाँ पर दिखाओगे और यहाँ पर आप ये भी कहोगे कि फ्लैग रजिस्टर भी होता है। तो एक एक्यूमुलेटर, एक फ्लैग रजिस्टर और 6 जो है आपके 8 बिट के रजिस्टर, ठीक है, दो आपके 16 बिट के रजिस्टर, इनको मिला करके आपका एक प्रोग्रामर मॉडल बना 8085। ठीक है, जनरली रजिस्टर स्ट्रक्चर में आप एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर को यहाँ पर शो नहीं करते। तो आप रिमेनिंग रजिस्टर्स जो हैं आपके, टेम्परेरी रजिस्टर बचा, W एंड Z बचा, ये जो तीन रजिस्टर बचे W, Z एंड टेम्परेरी रजिस्टर, ये एक्सेसिबल नहीं है प्रोग्रामर के लिए। ये क्या है, प्रोग्रामर के लिए एक्सेस नहीं है इनका, नॉट एक्सेसिबल। ठीक है बेटा, इस वजह से क्या है कि ये आपके क्या है, ये यूज होते हैं माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं इनके। तो मतलब कहना का ये है कि देसी सी भाषा में अगर मैं कहूँ कि प्रोग्रामर मॉडल वो है कि जिस रजिस्टर्स को आपका प्रोग्रामर यूज कर सकता है वो रजिस्टर्स आपके मिला करके प्रोग्रामर मॉडल बनता है 8085। तो जितने भी रजिस्टर हैं, रजिस्टर कौन कौन से हैं, एक्यूमुलेटर है, फ्लैग रजिस्टर है, टेम्परेरी रजिस्टर है, डब्ल्यू एंड जेड है, तो ये तीनों तो आपके क्या है, एक्सेसिबल नहीं है। 6 रजिस्टर हैं आपके 8 बिट के जिसमें बी सी डी ई एच एल है, दो हैं आपके 16 बिट के जिसमें स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर है आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट मतलब अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो है आप 8085 के रजिस्टर्स को क्लासिफाई करो कि कितने प्रकार के होते हैं, प्रोग्रामर मॉडल जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। तो आपके जो अगर हम इसको डिवाइड करें, क्लासीफाई करें, तो क्लासीफाई में आपके पास में आता है सबसे पहले क्या आता है, जनरल पर्पज रजिस्टर, जीपीआर। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर हैं वो कौन कौन से हैं आपके जनरल पर्पज रजिस्टर, पहले अच्छा बता दूं मैं कौन कौन से होते हैं, जीपीआर है, दूसरा आपका आता है टेम्परेरी रजिस्टर। तो जो टेम्परेरी रजिस्टर है, टेम्परेरी रजिस्टर में भी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, एक कहा गया कि टेम्परेरी डाटा रजिस्टर, यहाँ पर बोला गया कि टेम्परेरी डाटा रजिस्टर होता है, दूसरा बोला गया कि डब्ल्यू एंड जेड वाला जो है ये हो गया। थर्ड है आपका स्पेशल पर्पज रजिस्टर, जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है उसमें आपका फर्स्ट आता है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को भी स्पेशल पर्पज रजिस्टर बोला गया, जो फ्लैग रजिस्टर है उनको भी आपका क्या बोला गया, स्पेशल पर्पज रजिस्टर बोला गया, और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को भी आपका क्या बोला गया, स्पेशल पर्पज रजिस्टर बोला गया। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर आपका जो आता है वो आता है 16 बिट रजिस्टर्स। तो जो 16 बिट रजिस्टर्स हैं वो दो होते हैं, स्टैक पॉइंटर और आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पर कि जो सबसे पहले है वो मेरा जनरल पर्पज रजिस्टर है। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर है, तो जनरल पर्पज रजिस्टर में मेरे पास में कौन कौन से आते हैं, जो आपके BCDEHL, मतलब आपके जनरल पर्पज रजिस्टर है BCDE और HL। ठीक है, अब ये आपके क्या है कि 8 बिट के हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, तो ये यूज कर सकते हो आप सेपरेटली, मतलब 8 बिट रजिस्टर। अच्छा, इनको जो है ना, ये सिंपल 8 बिट के रजिस्टर बताए मैंने, अगर आपको 16 बिट में यूज करना है तो आज आप एज ए पेयर यूज कर सकते हो। पेयर क्या बनेगा, बी का सी के साथ बनता है बीसी, डी का ई के साथ डी और एच एल। तो मतलब ये जनरल पर्पज है, 8 बिट में करना है तो इंडिविजुअली एक रजिस्टर को यूज कर लो, 16 बिट में यूज करना है तो आप क्या करोगे, इनको कंबाइंड कर दोगे, पेयर में यूज करोगे। तो जब रजिस्टर पेयर मोड में मतलब आप यूज करोगे तो जो हायर ऑर्डर बाइट होगी तो वो फर्स्ट रजिस्टर में होगी। हायर ऑर्डर बाइट मतलब क्या है कि जो हायर ऑर्डर एड्रेस होगा वो बी में होगा और लोअर वाला जो होगा वो आपका किस में होगा, सी में होगा। सी में मतलब लोअर वाला, और इसमें जो होगा आपका वो हायर ऑर्डर होगा। तो मतलब कहना क्या है कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं रजिस्टर पेयर में, तो हायर ऑर्डर बाइट जो होगी वो फर्स्ट रजिस्टर में होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल बीसी के केस में बी में जो है आपका पहले हायर आएगी और लोअर जो है आपका किस में आएगी, सी में आएगी। और एज वेल एज अगर हम डी की बात करें तो हायर डी में आएगी और लोअर ई में आएगी। एच एल की बात करें तो इसमें हायर आएगी और इसमें आपकी लोअर आएगी। ठीक है बेटा, इन चीजों को ध्यान रखना प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में, जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और वहां पर एग्जीक्यूशन होगा तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो जो एचएल रजिस्टर पेयर है ये वाला जो लास्ट में है, ये एक जो एचएल रजिस्टर पेयर है, ये एक अलग फंक्शन भी है, इसका एक अलग फंक्शन भी है, वो है डाटा पॉइंटर और मेमोरी पॉइंटर। तो ये एचएल जो है वो डाटा पॉइंटर या मेमोरी पॉइंटर की तरह भी वर्क करता है। मेमोरी पॉइंटर कौन कौन करता है? एचएल जो रजिस्टर पेयर है, ठीक है, मतलब कहना का है ये आपका स्क्रेच पेड रजिस्टर भी कहलाता है, ठीक है। तो यूजर क्या है कि स्टोर कर सकता है डाटा इसमें, और बस रजिस्टर बस इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी डाटा आपको स्टोर करना है, रीड करना है, तो इंटरनल ऑपरेशंस हैं, तो डाटा बस की एक्सेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सेकंड आ जाता है फिर आपका टेम्परेरी रजिस्टर, ये था फर्स्ट आपका जनरल पर्पज रजिस्टर, दूसरा आ जाता है आपका टेम्परेरी रजिस्टर। तो टेम्परेरी रजिस्टर में सबसे पहले आपका आ जाता है टेम्परेरी डाटा रजिस्टर। तो टेम्परेरी डाटा रजिस्टर, टेम्परेरी डाटा रजिस्टर फर्स्ट पार्ट इसका। तो टेम्परेरी डाटा रजिस्टर में आपने देखा कि ALU में आपके पास में दो इनपुट थे, ठीक है। दो इनपुट में क्या था, मतलब जो हमने वहां पर देखा था, मैंने बताया था कि एक तो आपका गया है कि टेम्परेरी डाटा का इनपुट है, और एक आपका गया है कि वो एक्यूमुलेटर से, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ ALU बना हुआ था, तो उसमें एक इनपुट जो था वो आपका एक्यूमुलेटर से था, और दूसरा आपका टेम्परेरी डाटा रजिस्टर से था। तो प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस दिस टेम्परेरी डाटा रजिस्टर। जो ये टेम्परेरी डाटा रजिस्टर होता है, ALU का जो इनपुट है, ये आपका क्या है कि प्रोग्रामर के द्वारा इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और ये इंटरनली यूज के लिए होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, मतलब जो अर्थमेटिक लॉजिक कोई भी ऑपरेशन जो अभी आपका यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो टेम्परेरी डाटा रजिस्टर जो है वो इंटरनल ऑपरेशन के लिए है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। मतलब हम अगर बात करें कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक इंस्ट्रक्शन है ऐड बी, ऐड मतलब इंस्ट्रक्शन है, बी आपका रजिस्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ये इंस्ट्रक्शन ये कह रही है बाय डिफॉल्ट कि द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी, ए और बी के जो रजिस्टर है उनका जो कंटेंट है, उन दोनों कंटेंट को ऐड कर रहे हो आप यहाँ पर, ये ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि ए प्लस बी ऑपरेशन आपका यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, और जो रिजल्ट है वो स्टोर हो रहा है एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट। तो जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं उनके रिजल्ट आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ALU है तो वो इनपुट लेगा किससे, एक तो रजिस्टर ए से, तो एक्यूमुलेटर में आप डालोगे उस रजिस्टर को, और दूसरा लेगा वो आपका मतलब रजिस्टर बी से। भाई इस ऑपरेशन का मतलब तो यही है, एक डाटा ए में है, एक डाटा बी में है। तो अब जो मेरा आर्किटेक्चर था, अगर आप यहाँ आर्किटेक्चर को देखोगे, तो इस आर्किटेक्चर में देखोगे बी तो यहाँ है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेरीली बी का जो डाटा है वो इस डाटा बस के थ्रू इस टेम्परेरी रजिस्टर में आएगा, और वो ALU का इनपुट होगा, और ALU क्या होगा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगी, और आउटपुट आपका डाटा बस के थ्रू एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मतलब कहना का ये है कि बी से टेम्परेरी रजिस्टर में जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो इंटरनली ऑपरेशन है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए ये टेम्परेरी रजिस्टर है। तो टेम्परेरी डाटा रजिस्टर को बोला गया कि प्रोग्रामर जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा आता है फिर इसमें डब्ल्यू एंड जेड, यहाँ पर आते हैं डब्ल्यू एंड जेड। डब्ल्यू एंड जेड जो है ये भी टेम्परेरी रजिस्टर है, और ये क्या करते हैं कि मतलब टेम्परेरी मतलब 8 बिट का डाटा जो होता है, 8 बिट का रजिस्टर है WB और ZB, तो 8 बिट के डाटा को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस में हम एग्जीक्यूशन के दौरान, जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वहां पर जो कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। ये रजिस्टर भी जो डब्ल्यू एंड जेड जो है ये भी एक्सेसिबल नहीं है, किसके लिए, प्रोग्रामर के, जो प्रोग्रामर है उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ये रजिस्टर्स जो है आपके केवल और केवल इंटरनल पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो ये तीन रजिस्टर को छोड़ करके आपका जो बनता है वही आपका प्रोग्रामर मॉडल बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब हम एक मतलब जो अगर बात करें, एक इसमें इंस्ट्रक्शन होती है XCHG, इसका मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है। अब जो एक्सचेंज है वो टेम्परेली स्टोर, मतलब क्या कहते हैं कि जो कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जो है कि DE और HL, भाई एक्सचेंज जो इंस्ट्रक्शन हुई कि DE डाटा को HL डाटा के साथ में एक्सचेंज किया जाए, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि जब इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो उस कंडीशन में भाई डी का डाटा एच में आएगा, भाई डी का एच में आएगा और एच का डी में जाएगा, इसी तरीके से ई का एल में और एल का ई में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, भाई डी में भी कुछ ना कुछ डाटा है, एच में भी कुछ ना कुछ डाटा है, अब मेरे पास में मैं डी के डाटा को क्या करूंगा, टेम्परेली डब्ल्यू में स्टोर कर दिया। क्या करा, टेम्परेली डब्ल्यू में स्टोर कर दिया, मैंने नहीं करा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। अब डी खाली हो गया, तभी तो एच का डाटा डी में जाएगा जब खाली होगा। या यूं कहूं कि अब डी में चला गया, एच खाली हो गया, तो डब्ल्यू वाला जो डाटा होगा वो आपका एच में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कोई जेड रजिस्टर है तो ई का डाटा जेड में मतलब टेम्परेली मूव हो गया, ठीक है, तो ई एम्प्टी हो गया, एल का डाटा ई में चला गया और जेड में जो था वो आपका एल में आ गया। तो मतलब जो एक्सचेंज ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं तो जहां पर इंटरनली हम जो यूज करते हैं डब्ल्यू एंड जेड रजिस्टर का टेम्परेली स्टोरेज के लिए यूज करते हैं और वो कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट आपका जो आता है वो आता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर में फर्स्ट है आपका एक्यूमुलेटर। तो जो एक्यूमुलेटर है वो आपका ये आपका ट्राई स्टेट 8 बिट रजिस्टर बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, ट्राई स्टेट 8 बिट रजिस्टर। ये 8 बिट का स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। ये आपका यूज होता है जितने भी आपके अर्थमेटिक रजिस्टर ऑपरेशन है, जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशन हैं, कोई लोड करना है, कुछ स्टोर करना है, इस तरीके के लोड और स्टोर के जो ऑपरेशन हैं, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन हैं, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट से लेना है डाटा को या कुछ सेंड करना है, तो वो सारे के सारे ऑपरेशन जो हैं आपके एक्यूमुलेटर में होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो रिजल्ट है, मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के, जो आपका मतलब ALU जो मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ या लॉजिकल ऑपरेशन हुआ, उनके जो रिजल्ट हैं वो जनरली आपके एक्यूमुलेटर में सेव होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में, ठीक है। और इसको आप जो डिनोट करते हैं वो रजिस्टर ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए होगा यहाँ पर, और इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एक्यूमुलेटर, ACUMULATOR। तो एक्यूमुलेटर जो है रजिस्टर ए भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका स्पेशल पर्पज रजिस्टर में आता है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर में दूसरा जो आता है वो आता है फिर फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर के बारे में मतलब जो है हम डिटेल में तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो बस इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ यहाँ पर। इसमें जो है आपके 8 बिट होंगी, एस जेड ये आपका क्रॉस रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी क्रॉस, पैरिटी फ्लैग फिर क्रॉस, और ये फिर आपका सी वाई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये आपका रहेगा डी जीरो, ये रहेगा आपका डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो ये फ्लैग रजिस्टर है, ये फ्लैग रजिस्टर आपका क्या होगा, 8 बिट का होगा। क्या होगा, 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होगा। अब इस 8 बिट के फ्लैग रजिस्टर में आपकी जो है 5 बिट यूज हो रही होंगी, एस जेड ऑक्सिलरी कैरी पैरिटी और कैरी फ्लैग। 3 बिट जो है आपकी ये वाली जिसमें क्रॉस साइन बना हुआ है, ये यूज नहीं होती, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग्स, S4 आपका जो है साइन फ्लैग है, Z4 आपका जीरो फ्लैग है, AC मींस ऑक्सिलरी कैरी है, P4 आपका जो है पैरिटी फ्लैग है, एंड CY जो है आपका वो कैरी फ्लैग है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बिट पर 0 या 1 मतलब जो है 8 बिट का है, 8 बिट का मतलब क्या हुआ भाई, या तो ये 1 होगा या 0 होगा, सिमिलरली ये भी 10 होगा, ये भी, ये तो बाय डिफॉल्ट मतलब 0 या 1 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 एंड 0 होगा, ये भी आपका 1 एंड 0 होगा, ये भी आपका 10 होगा, ठीक है। तो इसको कल डिस्कस करेंगे, आज टाइम हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। क्लास का जो भी मैसेज होगा मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना। क्लास जनरली हम मॉर्निंग में ही लेंगे अब आगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मतलब जो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन गो। थैंक यू सो मच।